हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं तो बाबा से दुआ करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे हों, बढ़िया हो और स्वस्थ हों। तो आप सोच रहे होंगे क्यों हंस रही है इतना। तो मेरे को गाइस, मैं जब आप लोगों से बात करने आती हूँ तो मेरे दिल में जो खुशी है, मेरी खुशी खुद ही बाहर आने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गाइस, मैं भी घर में अकेले रहती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं देखो बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देख, मेरे को अपने फैमिली से बात करने का टाइम आ गया। तो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आप सभी से। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ हरी सब्ज़ी। तो आप सोचेंगे हरी सब्ज़ी तो सभी बनाते हैं, इसमें नया क्या है। इसमें नया कुछ नहीं है, ये है मेरी हरी मिर्च, ये मैं बना रही हूँ हरी सब्ज़ी। ये हरी सब्ज़ी ना पालक है, ना लाई है और ना ही क्या बोलते हैं उसको, चौलाई है और ना ही जो हम वो है सोयाबीन होती है, सोयाबीन की दाल होती है। सभी ने खाई होगी और जो बाहर के लोग हैं उन्होंने क्या पता खाई हो ना खाई हो, पर जहाँ तक है सभी ने खाई है। तो मैं दिखाती हूँ, मैंने दो गड्डी बचा दी है क्योंकि मैं शाम को उसकी बनाऊँगी पकौड़ी, आपके संग भी शेयर करूँगी। ये है देखिए सिरोही, ये देखिए किस किस ने देखी है गाइस, कमेंट करके बताना। पर ये ज़्यादातर भारत में ही होती है, उत्तराखंड, भारत तो बहुत बड़ा है सॉरी, उत्तराखंड में होती है। इसको बोलते हैं सिरोही। इसकी सब्ज़ी भी गाइस, मैं सच बताऊँ तो आज पहली बार बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं खाई है। देखा है, देखा बहुत है, क्योंकि मैं जब खेतों में काम करती थी तो मैं देखती थी कि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोग तोड़ के भी ले जाते थे, तो मेरे को लगता था ये घास है। तो ये सिरोही जब मैंने परसों अपनी फ्रेंड को बनाते हुए देखी तो मुझे अच्छा मेरा तेल ज़्यादा हो गया, गैस कम कर, तो मुझे लगा कि पालक की सब्ज़ी। मैंने उससे पूछा कि ये पालक है, बोली नहीं तो ये पालक नहीं है, ये सिरोही है। तो आज मैं भी ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ। पालक कट करके रख दी है मैंने यहाँ पे, और ये है प्याज, प्याज काटूँगी इसमें, हरी मिर्ची काटूँगी और क्या बोलते हैं इसको डाल के मैं दिखाती हूँ मैं आप सबको कि मैं कैसे बनाऊँगी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी। और आज मैं बनाने वाली हूँ हरी सब्ज़ी मिक्स दाल चावल। ये तो आप कहेंगे ये तो सभी बनाते हैं, हम सभी बनाते हैं। आज मुझे जाना था बैंक पर मुझे टाइम नहीं हुआ। आज मंडे है, सोमवार है, सोमवार का इसमें इंग्लिश ऐसे बोल ले रही हूँ पर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं था। मम्मी पापा होते तो वो पढ़ाते, वो तो भगवान को पे टाइम से चले गए थे हम तीनों भाई बहन को छोड़कर। बताऊंगी नेक्स्ट टाइम, मैंने बोला है आपको अपनी सारी लास्ट से लेकर शुरू से लेकर स्टोरी सब बताऊंगी, क्योंकि आप फैमिली हो मेरी, आपको नहीं बताऊंगी तो मैं किसे बताऊंगी। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है, बने रहिए आप सभी मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मैंने प्याज और हरी मिर्च कट कर ली है। तो आप पता नहीं किस तरीके से बनाते हो, मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट कर ली है, तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी। ये मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है। मैंने ये हरी सब्ज़ी साफ करके धो ली है। धोने के बाद मैंने इस पर यहाँ फरस, मैं रोज़ शाम को अपना किचन को धोती हूँ साफ करके, मुझे आदत है, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नहाना धोना पूजा करना काफ़ी काम हो जाता है, सभी का होता है और लेडीज सभी हैं। तो अब मैं ये हरी मिर्ची, मैं ये सब्ज़ी मैंने इसलिए धोकर रख दिया, आप सोचोगे कि इसमें ऐसे क्यों रख दी, इसलिए रख दिए कि इसका पानी इसका निथर जाएगा। तो ये अब इसमें पानी नहीं छोड़ेगी। तो कभी कभी आप भी ज़रूर ट्राई करा करिए, ऐसे बहुत अच्छा होता है। होने को तो आजकल बर्तन मिलते हैं उसमें आप रखेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा, पर ऐसा भी बेस्ट रहेगा। प्याज और ये मेरा होने वाला है, मेरी कच्ची का है, कच्ची तो मैं भी ले आऊँगी। बस प्याज और ये हरी मिर्च डाल दी, अब मैं इसमें सब्जी डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा पलट कर हल्का सा नमक डाल के, तो मैं इसे बनाऊँगी गाइस। इसमें मैं और कोई मसाले भी ऐड नहीं करूँगी। ये दाल मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है तो इसको मैं अभी नहीं पलट पाऊँगी, तो इसको मैं, तो गाइस आप भी ज़रूर ये हरी सब्जी लिस्ट लो ही कभी भी, अभी मार्केट में अगर आपको दिखे तो आपको पालक खाने का मन है, तो आपको लगे कि आज आपको पालक खाने का मन है, तो कभी भी मार्केट में ये हरी सब्ज़ी दिखे तो ज़रूर लाइएगा और ज़रूर ट्राई करेगा। बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम पर तो बहुत ब्रांड का वहाँ खाई, बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी आ रही होती है।
बिल्कुल गाइस, में पालक का ही टेस्ट आता है। तो कभी बच्चे बोले कि पालक खाना है और पालक का सीजन हो गया ख़त्म, तो आप ये हरी सब्जी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू गाइस। फॉलो कीजिए, कमेंट करिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करिए। बाय बाय गाइस, बाय, सी यू।